गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे कोई भी इसमें जो भी स्केचिंग टूल है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से यूज़फुल है कौन से यूज़फुल नहीं है। तो गाइस सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इसके अंदर आपको 32 पीसेस मिल जाते हैं और H&B ब्रांड है इसकी, और इसके ऊपर स्केच पेपर टाइप की एक स्केच बुक आती है 16 पेजेस 120 GSM A5 साइज, और काफ़ी वाइट पेपर होते हैं इसके अंदर, और ये बस एक फोम है, और इसके अंदर है मेटल शार्पनर जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, वो टूटता नहीं है, मेटल का होता है इसलिए। और ये इसके अंदर तो एक बस प्लास्टिक का सिंपल सा शार्पनर है जो कि टूट जाता है जल्दी। और इसके अंदर सारी पेंसिल्स है, 8B से लेकर 5H पेंसिल तक सारी रेंज है, और काफ़ी अच्छी पेंसिल्स है, मैंने यूज़ की थी। बहुत सारे पेंसिल्स होती है, और एक ग्रेफाइट पेंसिल है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंसिल वही होती है, इससे आप बहुत ही डार्कनेस ऑप्ट कर पाते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तो इसे मानता हूँ। ये यूज़ करोगे तो आपको 8B की ज़रूरी नहीं पड़ेगी, अब यही यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी स्केचिंग टूल है। और इसके अंदर 3 चारकोल पेंसिल सबको मिलती है, सॉफ्ट मीडियम हार्ड, सब में वही रेंज आती है, और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये है पेंसिल एक्सटेंडर जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, और देखिए ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है आपको ऐसे पेंसिल लगाकर रिंग को ऐसे आगे करना होता है तो आपकी पेंसिल अच्छे से फंस जाती है और आप ड्रॉ कर पाते हैं जब आपकी पेंसिल छोटी हो जाए तब। और उसके बाद एक कटर आता है जो कि इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये कटर बस सिंपल सी क्वालिटी का है जो कि बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, आपको कटर बाय करना पड़ेगा बाहर से। और ये 3 पेपर स्टम्प पे, 2 इक्वल साइज़ और 1 है जो मोटा पेपर स्टम्प जो कि आपको बैकग्राउंड को ब्लेंड करने के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा, और ये जो चारकोल पेंसिल्स है वो बिल्कुल ख़राब क्वालिटी की मुझे मिली है तो ये आप बाय मत करना अलग से। और ये है H&B ब्रांड, ये भी बिल्कुल ख़राब इरेज़र है, इसको आपको बार बार कट करना पड़ता है और अच्छे से इरेज नहीं होता, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जो भी होता है पेंसिल रह जाती है। और ये 3 होती है जो कि होती है ग्रेफाइट स्टिक्स, और ये जब आपको बैकग्राउंड शेड करना होता है ग्रेफाइट से पूरा तब आप इन 3 स्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है एक निडेबल इरेजर, ये भी एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको शेडिंग रफ करने के लिए काम आता है जो कि काफ़ी बढ़िया है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, नीडेड इरेजर भी कहते हैं उसे, वो तो कोई भी क्वालिटी का आप ले सकते हैं। और ये है चारकोल स्टिक्स जो कि ग्रेफाइट स्टिक्स थी, वैसे ये चारकोल स्टिक्स है, ये जल्दी से फैल जाती है इसलिए ये प्लास्टिक की बैग में रखा है। और इसके बाद है एक सैंड पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको पेपर स्टम्प्स को कट करने के बजाय रफ़ करना होता है, ब्लैक हो जाते हैं पेपर स्टम्प्स जब यूज़ करने के बाद, तो ये बहुत ही काम आता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं तो कहता हूँ इसे, तो ये आपको यूज़ ज़रूर करने चाहिए गाइस, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, बस थोड़ी बहुत ख़राब क्वालिटी की, ये सारी 32 पीसीज होती है तो काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, और बस यही है। और 32 पीसेस के साथ ये स्केच बुक आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, सिर्फ 1300 में मुझे ये मिल गई थी, काफ़ी कम प्राइस है अगर दूसरे के हिसाब से देखें, स्टेडलर सा लुक है पेंसिल्स का,
तो ये वर्थ बाइंग ज़रूर है, लेकिन अलग से अगर आप बाय कर रहे हो तो मत करो। अमेज़न के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।